सिद्धार्थनगर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें अग्निपथ विरोध दिवस के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अग्निपथ विरोध दिवस सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के अराजनैतिक की जिला इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। वहीं मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान नेता प्रदीप पांडे ने कहा कि भाजपा की सरकार किसान और गरीब विरोधी है, अब तो ये सरकार सेना में भी मनमाने तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, आगे टिकैत जी का जैसा निर्देश होगा इस तरह काम हम लोग सड़कों पर निकल कर करेंगे, इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ को लेकर सेना में भर्ती की जो स्कीम है चल रही है ये घोर निंदनीय है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।